नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में नोवास्टैंड CV10 जो कैप्सूल होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो कैप्सूल है इसको तैयार किया गया है लुपिन लिमिटेड की द्वारा। ठीक है, अभी अगर बात करें इसका कंपोजिशन के बारे में तो इसमें रहता है रोजोवेस्टाटिन एंड क्लोपिडोग्रेल। अभी अगर बात करें इसका प्राइस के बारे में तो इसका प्राइस होता है, ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्राइस होता है 345 रुपये 95 पैसा। ठीक है, अभी अगर बात करें ये नोवास्टैंड CV10 जो कैप्सूल है इसका यूजेस के बारे में, तो ये जो कैप्सूल है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, यानी कि हमारी शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होता है उसको इंक्रीज करने के लिए ये जो नोवास्टैट CV10 कैप्सूल है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। मेनली डायबिटीज़ के जो पेशेंट होता है उन लोगों को ये टेबलेट को डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। और ये जो नोवास्टैट CV10 कैप्सूल है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि दिल का दड़ा रोकने से ये जो नोवास्टैंड CV10 कैप्सूल है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। और स्ट्रोक जो प्रॉब्लम होता है, स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम के लिए भी ये जो नोवास्टैंड CV10 कैप्सूल है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। अभी अगर बात करें इसका नंबर ऑफ कैप्सूल कितना होता है तो इसमें टोटल 15 कैप्सूल होता है। तो ये जो नोवास्टैंड CV कैप्सूल है, अभी अगर बात करें इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसका थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग यानी कि नाक से रक्त झड़ना या फिर डायरिया का प्रॉब्लम होना और स्टोमक अल्चर जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, मसल डिजीज़ यानी कि हमारी जो पेशी होता है पेशी के थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पेशी में दर्द हो सकता है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर ये जो कैप्सूल है नोवास्टैंड CV10 कैप्सूल है इसको यूज़ करने के बाद अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो मैं यही बोलूँगा कि ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत ही सेंसिटिव डिजीज़ होता है, तो इसको हल्का में नहीं लेना चाहिए। ये नोवास्टैंड CV टेबलेट लेने के वक्त अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम यानी कि रक्तक्षरण या फिर डायरिया, स्टोमक कल्चर या फिर मसल डिजीज यानी कि पेशी में दर्द होता है, तो ये सब प्रॉब्लम अगर थोड़ा सा भी महसूस होता है तो ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। तो अभी अगर बात करें इसका डोजेस के बारे में तो ये जो नोवास्टैट CV कैप्सूल है इसको मेनली रात में खाने के बाद सोने से पहले लिया जाता है, और कुछ कुछ क्षेत्र में इसका लेने के टाइम थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। तो मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि डॉक्टर जैसे प्रेस्क्राइब करता है उसी के हिसाब से आप ये जो कैप्सूल है इसको लेंगे। और अभी अगर बात करें इसका प्रिकॉशन के बारे में तो ये जो कैप्सूल है नोवास्टैंड CV10 ये लेने के वक्त आप किसी भी तरह का अल्कोहल नहीं ले सकते। हर कोई टेबलेट या फिर दवाई लेने के वक्त आप अल्कोहल नहीं ले सकते, लेकिन ये जो कैप्सूल है नोवास्टैट CV10 ये जो टैबलेट जब आप ले रहे हो तब आपको तो ये बिल्कुल सीरियसली लेना ही होगा कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होता है उन लोगों के लिए अल्कोहल एक जहर जैसा होता है। तो जब आप ये नोवास्टैट CV10 कैप्सूल ले रहे हो तब आप अल्कोहल से बिल्कुल खुद को दूर रखिएगा। ठीक है, तो ये था नोवास्टैट CV10 टैबलेट का प्राइस, यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। जय हिंद।